ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है लगातार इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके, खासकर कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके रेगुलर अपडेट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर करते रहें, ताकि आप बेहतर और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स अपने बनाएं और अच्छे तरीके से अपने वीज़ास को सेव करें। सो जो प्रेजेंट ट्रेंड या सिस्टम चल रहा है, जिस तरह से IRCC आपके केसेस के ऊपर काम कर रही है, तो आज की डेट में अगर आपको कनाडा अप्लाई करना है या आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो वो कौन सी इम्पॉर्टेंट मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आप ज़रूर करें अपने प्रोफाइल्स में, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट 100% सेफ रहे। तो नोट कर लीजिए कौन कौन सी चीज़ें मस्ट होनी चाहिए आपके प्रोफाइल्स के अंदर। नाउ प्लस टू स्टूडेंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। सो प्लस टू स्टूडेंट, किसी भी जो आपकी स्कोरिंग है, कहीं पर भी 50 से कम स्कोर नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी प्लस टू की मार्कशीट में ग्रेडिंग सिस्टम है, तो मेक श्योर कि उसमें D1 कहीं नहीं होना चाहिए। D1, D2 ये वाली रेटिंग अगर आपके स्कोर में है, तो आपको वो सब्जेक्ट इम्प्रूव करना होगा, अदरवाइज़ उसके कारण आपके रिफ्यूज़ल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ इज IELTS, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इट। एक में 5.5 आई पर्सनली डोंट सजेस्ट, कहीं ना कहीं उस पर रिस्क रहेगा। बेटर है 6 लेके चलें, चाहे कोई भी ट्रेड है। नहीं 6 उसमें आ रहा, ट्राई टू गो फॉर अ PT, चाहे अभी जाएं चाहे बाद में इम्प्रूव करके अपडेट करें, बट मस्ट डू दैट। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ योर फंडिंग एंड योर इनकम। अपने जब आप फाइल सबमिट कर रहे हो, उसमें अपनी फैमिली की एक स्ट्रॉन्ग इनकम, और प्लस अगर आपका कोर्स 1 से ज़्यादा है, तो अपने सेकेंड ईयर की जो आपकी फ़ीस है उसके इक्वलेंट या उससे थोड़ा ज़्यादा अपने एडिशनल फंड्स ज़रूर शो अप करें, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो SOP है, उसमें जो मैं क्वेश्चंस अभी बताने वाला हूँ, उनके आंसर्स ज़रूर होने चाहिए। SOP पढ़ते टाइम ये चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं। अगर उसमें उन चीज़ों के आंसर्स नहीं हैं, तो मेरे क्वेश्चंस ध्यान से सुन लें, अपने कंसल्टेंट को बताएं, और वो उसमें उस अपडेट करेगा। सबसे पहली चीज़, योर कोर्स रेलेवेंसी, कैसे कोर्स रेलेवेंट है आपकी प्रीवियस एजुकेशन और एक्सपीरियंस के साथ। सेकेंड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, How your course is more progressive? How your course is progressive? मतलब जिस लेवल पे आपने पहले एजुकेशन की है और जिस लेवल की एजुकेशन अब आप करने जा रहे हैं, क्या वो एजुकेशन उससे अबव लेवल की है सेम फील्ड में, या उसके बराबर वाले लेवल की है, या उसके नीचे के लेवल की है? यहाँ होनी चाहिए, उसके ऊपर वाले लेवल में होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत स्ट्रांगली वहाँ पर होना चाहिए। फोर्थ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आप जो स्टडी करने जा रहे हो, उसके बाद आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं, आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हो, और उस एजुकेशन में से ऐसे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए निकल रही हैं जो आपका फ्यूचर बना सकती हैं। इन चार क्वेश्चंस का अगर आंसर आपके SOP में है, तो आपका SOP स्ट्रांग है, अदरवाइज यू रियली नीड टू वर्क ऑन SOP। दिस इज़ अ काइंड ऑफ SOP नाउ डेज दे आर एक्सपेक्टिंग। पहले हमारा SOP क्या होता था, मैंने किया क्या है, वो तो चलो बेसिक है, वो डालना ही है। उसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरा IELTS का स्कोर क्या है, ये मैं कनाडा क्यों करने जा रहा हूँ, मैं इस कॉलेज में क्यों करने जा रहा हूँ, ऐसी चीज़ें। उसमें ये नहीं होता था कि मेरे कोर्स का लेवल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे करियर प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं, ये उसमें नहीं होता था, ठीक है। नहीं, इन दो चीज़ों को खासकर उसमें ऐड करें, देन योर SOP विल बी अ कंप्लीट राइट SOP फॉर योर वीज़ा। सो आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिप्स कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर रेगुलर स्मॉल अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं, वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 अ सिंपल 3। नंबर 1, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com। नंबर 2, यू नीड टू फिल अ फॉर्म, वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल। एंड नंबर 3,
उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर. यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली. जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी. सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया आउटसाइड इंडिया यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम फ्रॉम योर कंट्री. थैंक यू. ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान.